हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर्स वर्सेस रांची राइडर्स के बीच में होने वाले 16th T20 मैच के बारे में। और ये मैच JSA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएंगे और ये बाईजो झारखंड T20 लीग 2021 का है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 2:01 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम कवर करने वाले इसमें हर मैच के टॉपिक यहाँ पर, क्योंकि अगर आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और हेड टू हेड जो भी लीग आप जीतना चाहते हो फ्रेंड्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो पे मैं देने वाला हूँ। ये सारा इन्फॉर्मेशन देख के फ्रेंड्स, आपको मैं टीम भी बना के रख चाहूँ, वो भी टीम आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन ये सारा इन्फॉर्मेशन जब तक आप गैदर नहीं करोगे तो फ्रेंड्स, कोई भी लीग नहीं जीत पाओगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम पिच की बात करते हैं। पिच रहने वाली बैलेंस्ड फ्रेंड्स, यहाँ पर फेसेस और स्पिनर्स को थोड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर 120 से 140 रन तक बनने वाला है। फेस बॉलर को यहाँ पर 60%, स्पिन बॉलर को 40% मदद मिलने वाला है। और फेस बॉलर्स की बात करते हैं, इकोनॉमी 8.38 रन पर ओवर होने वाला है, स्पिन बॉलर्स की 7.11। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर्स लास्ट 5 मैचेस में फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मैच जीते और 2 मैच हार गए। और वही रांची राइडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 1 मैच टाई हुआ, 3 मैच जीते हैं और 1 ही मैच हारे। तो रांची राइडर्स अच्छे फॉर्म में फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और हेड टू हेड के लिए आप यहाँ पर कैप्टेंस की लिस्ट मैंने बनाया। यहाँ पर वी सिंह है फ्रेंड्स, आर कुमार, ए जूनियर, ए भरतवाज, एस चक्रवर्ती और पी कुमार है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे 6 प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन पर रिपीट करना है स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड सब सारे लीग्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, अभी आपको मैं मेन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये तो हर यूट्यूबर आपको इन्फॉर्मेशन ये देता, लेकिन अब आपको मैं मेन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल में। तो फ्रेंड्स, 5 पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो रांची राइडर्स को आप देख सकते हो यहाँ पर 5 मैच खेले फ्रेंड्स, में इसमें 4 मैच जीते हैं और 1 ही मैच हारे हैं और पॉइंट टेबल में पहला पोजीशन पे। वही बोकारो ब्लास्टर्स की बात करें तो 5 मैच में 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हार गए। तो पॉइंट टेबल में पहला पोजीशन और वर्सेस तीसरा पोजीशन के बीच ये मैच होने वाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके साथ साथ अभी आपको मैं देने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टैट्स पता रहना चाहिए फ्रेंड्स। जब तक आपको प्रॉपर स्टैट्स, मतलब अभी तक रांची राइडर्स ने 5 मैच खेले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मैच, और यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर्स की 5 मैच खेले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टीम ने, दोनों टीम ने 5 मैचेस खेले, तो यहाँ पर 5-5 मैच की प्लेयर्स की स्टैट्स आपको मैं देने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपको मैं ओवरऑल स्टैट्स इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ओवरऑल स्टैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मतलब ये 5 मैच की स्टैट्स से थोड़ा डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक प्लेयर का खराब फॉर्म भी चलता है। लेकिन यहाँ पर आपको ओवरऑल स्टैट्स देखेंगे तो फ्रेंड्स, उस प्लेयर की फॉर्म क्या है और प्रेजेंट फॉर्म क्या देख के आप एक अच्छी टीम आप भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं, चलिए आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क स्लो है, आप वेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए, पहले हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर्स की। तो बोकारो ब्लास्टर्स की बैटिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लीड रन स्कोरर है फ्रेंड्स इस टीम की पप्पू सिंह, विकेट कीपर है फ्रेंड। 5 मैच में 136 रन बनाए और विकास विशाल ने 5 मैच में 125 रन, विकास सिंह ने 5 मैच में 43 रन, प्रकाश मुंडा ने 5 मैच में 43 रन, कुमार कुशग्रा ने 5 मैच में 40 रन, आयुष भरतवाज ने 5 मैच में 34 रन और यहाँ पर महबूब शेख ने फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मैच में 30 रन बनाए और आशीष कुमार जूनियर ने 5 मैच में 6 रन और पंकज यादव ने 5 मैच में 1 रन बनाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वही रांची राइडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स इस प्रकार है, आप देख सकते हो यहाँ पर आर्यमन सेन ने फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मैच में 132 रन बनाए और यहाँ पर पंकज कुमार ने 5 मैच में 120 रन, आदित्य सिंह ने 5 मैच में 106 रन, सचिन तिवारी ने 4 मैच में 97 रन और इसके साथ साथ आलोक शर्मा ने फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आलोक शर्मा के 5 मैच में 96 रन है, सुप्रिया चक्रवर्ती 5 मैच में 59 रन और यहाँ पर रोनी कुमार की 3 मैच में 8 रन और इसके साथ साथ फ्रेंड्स रवि यादव ने 5 मैच में 6 ही रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटिंग में देखा जाए तो रांची राइडर्स की थोड़ा अच्छा है। जब गेंदबाजी की आती है तो फ्रेंड्स गेंदबाजी में किसका भारी है वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आगे बात करने वाले बोकारो ब्लास्टर की। तो फ्रेंड्स, इस टीम के लीड विकेट टेकर है फ्रेंड्स विकास सिंह, 5 मैच में 5 विकेट, प्रतीक कुमार ने 5 मैच में 5 ही विकेट लिए, प्रतीक रंजन ने 5 मैच में 4 विकेट, पंकज यादव ने 5 मैच में 3 विकेट और इश्तिकार अहमद खान ने फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मैच में 1 विकेट लिए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार थोड़ा वेट कीजिए आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रांची राइडर्स की बॉलर्स की बात करते हैं, यहाँ पर सुप्रिया चक्रवर्ती इस टीम का लीड विकेट टेकर है फ्रेंड्स, 5 मैच में 8 विकेट, रौनक कुमार ने 5 मैच में 7 विकेट, मानसी ने यहाँ पर 5 मैच में 5 विकेट, प्रेम कुमार सिंह ने 5 मैच में 4 विकेट, रवि यादव ने 5 मैच में 3 विकेट, आदित्य सिंह ने 5 मैच में 1 विकेट और इसके बाद आलोक शर्मा ने 5 मैच में 1 विकेट, हर्ष राणा ने 3 मैच में 1 विकेट लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखा जाए तो मैंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट कवर किए, अभी आपको मैं ओवरऑल स्टैट्स बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ओवरऑल स्टैट्स अगर आपको पता रहेगा तो फ्रेंड्स मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक अच्छी टीम बनाने में आप कामयाब हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, अब लेट नहीं करते हैं, चलिए ओवरऑल स्टैट्स देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार है, यहाँ पर आप देख सकते हो पंकज यादव इस टीम के हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 17 मैच में 11 विकेट लिए और 48 रन बनाए, बैटिंग एवरेज 6 रन है, इनकी इकोनॉमी रेट है 6.33। तो फ्रेंड्स वहीं यहाँ पर आशीष कुमार जूनियर की बात करें तो फॉर्म में नहीं है फ्रेंड्स, 17 मैच में 116 रन और 21 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर कुमार कसकरा ने 17 मैच में 142 रन बनाए और प्रतीक कुमार ने 16 मैच में 32 रन और 14 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर विकास विशाल ने 16 मैच में 354 रन बनाए फ्रेंड्स और 1 विकेट है इनका। पप्पू सिंह विकेट कीपर है फ्रेंड्स, 15 मैच में 267 रन है फ्रेंड्स। यहाँ पर इश्तकार अहमद खान 13 मैच में 18 रन और 14 विकेट है, लेकिन ये भी प्लेयर फॉर्म में नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर विकास सिंह 12 मैच में 167 रन बनाए फ्रेंड्स और 10 विकेट भी लिए। प्रतीक रंजन ने 12 मैच में 15 विकेट और 7 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो वहीं यहाँ पर आयुष भरद्वाज की बात करें तो 12 मैच में 266 रन है। नित्यानंद कश्यप के यहाँ पर 5 मैच में 1 विकेट, प्रकाश मुंडा 5 मैच में 43 रन, प्रेम चौरसिया 4 मैच में 10 रन और महबूब शेख 2 मैच में 30 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। और वहीं यहाँ पर सुनील कश्यप की कोई मौका नहीं फ्रेंड्स 1 मैच में, और अमित कुमार खुशावा की बात करते इनका भी कोई मौका नहीं, उम्मीद करते कि बाकी जो रिमेनिंग मैचेस में इनको मौका मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस टीम की बात करें तो सुप्रिया चक्रवर्ती 16 मैच में 182 रन और 23 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। प्रेम कुमार सिंह ने 15 मैच में 14 विकेट लिए और 5 रन बनाए, और यहाँ पर मानसी ने 15 मैच में 17 विकेट लिए और 6 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। पंकज कुमार की बात करें तो 15 मैच में 305 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। आदित्य सिंह 15 मैच में 329 रन और 11 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। आर्यमन सिंह ने 15 मैच में 313 रन बनाए और रोनी कुमार ने 14 मैच में 142 रन, और यहाँ पर आलोक शर्मा की बात करें तो 14 मैच में 220 रन हर्ष राणा ने, और यहाँ पर 13 मैच में 113 रन और 2 विकेट लिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हर्ष राणा ने। और रौनक कुमार ने 4 मैच में 6 विकेट लिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। रवि यादव ने 4 मैच में 3 विकेट, और सचिन तिवारी ने 3 मैच में 96 रन, ऋषभ राज ने 2 मैच में 2 ही रन बनाए फ्रेंड्स। और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं इनको मौका नहीं मिला, एक प्लेयर है फ्रेंड्स वो एम नवी ने, आई होप उम्मीद करते हैं कि इनको मौका मिले क्योंकि रांची राइडर्स तो पहला पोजीशन पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब आपको मैं मेन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रेंड्स, चलिए वो इन्फॉर्मेशन आप देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये सारा इन्फॉर्मेशन कवर करने के लिए तो फ्रेंड्स आपको मैं पॉइंट टेबल एक्सप्लेन किया, अब इन दोनों टीम की स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है तो बोकारो की ब्लायर लेंसेड टीम है फ्रेंड्स यहाँ पर, रांची राइडर्स की यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट पे स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स लास्ट टू ईयर्स में देखा जाए तो बोकारो ने 17 मैच खेले और रांची राइडर्स ने 16 मैच, इसमें अगर यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर्स की बात करें तो 8 मैच जीते और रांची ने यहाँ पर 11 मैच जीते, और यहाँ पर देखा जाए तो रांची राइडर्स ने यहाँ पर 8 मैच जीते। लेकिन फ्रेंड्स पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो रांची राइडर्स पहला पोजीशन पर और बोकारो ब्लास्टर्स तीसरा पोजीशन पर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर स्टैट्स देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर्स की बहुत ही मजबूत है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा पोजीशन इसका मतलब ये नहीं कि टीम को आप कमज़ोर समझ सकते हो, क्योंकि बोकारो ब्लास्टर ये स्टार्ट्स देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये टीम अगर कमबैक करती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये टीम इस सीजन का टाइटल भी जीत सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर विनिंग परसेंटेज अगर बोकारो ब्लास्ट पहला बैटिंग करती है तो यहाँ पर 83% जीतने की चांसेस है और रांची राइडर्स की 54%, और वहीं यहाँ पर बैटिंग सेकंड करती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोकारो की 55% है और बैटिंग सेकंड विन की यहाँ पर 33% है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर रांची राइडर्स पर भारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब स्टैट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हेड टू हेड जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों टीम के बीच आप देख सकते हैं 4 बार हुआ फ्रेंड्स, चारों मैच यहाँ पर बोकारो ने जीते हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, अगर आप इनडायरेक्ट टीम बनाते हो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करेंगे, रांची राइडर्स प्लेयर्स को ज़्यादा पिक करेंगे, इससे आप ही को नुकसान पहुँचने वाला, क्योंकि अगर जब तक आपको ओवरऑल स्टैट्स पता नहीं रहेगा, प्रेजेंट स्टैट्स नहीं पता रहेगा, हेड टू हेड पॉइंट्स टेबल सारा स्टैट्स इंपॉर्टेंट आपको पता नहीं रहेगा, तो फ्रेंड अब मैं गारंटी कह सकता हूँ तो ग्रैंड लीग आप हेड टू हेड भी नहीं जीत सकते। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पूरे इन्फॉर्मेशन कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो चारों मैच यहाँ पर बोकारो ने जीता, तो यहाँ पर बोकारो ब्लास्टर्स तीसरा पोजीशन पर है, रांची राइडर्स पहला पोजीशन पर, तो ये बात ध्यान रख के आपको टीम बनाना। लेकिन बोकारो ब्लास्टर्स यहाँ पर तीसरा नंबर पर, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये टीम कमज़ोर है। अब आगे फ्रेंड्स विकेट कीपर में आपको मुझे किसको पिक करना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत विकेट कीपर है, लेकिन यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट विकेट कीपर की बात करने वाला, पी कुमार और पी सिंह है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इनके एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है फ्रेंड्स यहाँ पर 48 और यहाँ पर इनकी है 45.4। तो देखा जाए तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दोनों विकेट कीपर को पिक करने वाला, तो दो विकेट कीपर को मैंने पिक कर लिया फ्रेंड। और यहाँ पर बैट्समैन में फ्रेंड्स यहाँ पर इनके एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वी विशाल की बात करें तो 39.2 है, आर्यमन सेन की 36.6 और यहाँ पर यश शर्मा की 31.4, सचिन तिवारी की 30.2, आर यादव की 29.8 है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर तीन बैट्समैन को पिक करने वाला हूँ, वी विशाल को पिक करने वाला हूँ फ्रेंड्स, आर्यमन सेन को और यहाँ पर सचिन तिवारी को मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बताने वाला, आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पर 31.4 को छोड़ के 30.2 क्यों लें। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी आपको मैं स्टैट्स प्रोवाइड करने वाला, इसके लिए आप टेंशन मत लेना।
तो फ्रेंड्स अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आंख बंद करके सुप्रिया चक्रवर्ती को ले लीजिए और वी सिंह को भी आप यहाँ पर पिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर उसका बाकी बैच जो भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर पहले मैं दो प्लेयर को यहाँ पर मैं प्रतीक रंजन और आर्य सिंह को मैं इन दोनों में एक प्लेयर को पिक करूँगा। तो इनकी बात करें तो ए सिंह की 36.4 है फ्रेंड्स यहाँ पर, प्रतीक रंजन की 27.8, हर्ष राणा की यहाँ पर 12.8 और वी सिंह की 47.5, सुप्रिया चक्रवर्ती की 65.8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दो ऑलराउंडर को पिक करके रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं तीन ऑलराउंडर को लेने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गेंदबाजी की बात आती है तो फ्रेंड्स आर कुमार की 48 एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है और आई खान की यहाँ पर 45 है, लेकिन फ्रेंड्स ये प्लेयर अभी फिलहाल फॉर्म में नहीं है। तो फ्रेंड्स ये प्लेयर आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट है फ्रेंड्स, वो भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना आपको अगर 6 से 11 टीम बनाते हो तब, क्योंकि आई अहमद खान की फ्रेंड्स आप वहाँ पर भी स्टार्ट्स पता है, इनके एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स देखा जाए तो 45 है। इसका मतलब आई खान तो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं, लेकिन फ्रेंड्स अगर ये प्लेयर आपको मेगा ग्रैंड लीग में आपको जिता सकता है। मानसी की एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट 35.8 है, पी कुमार की 32 और पी सिंह की 25.4। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको मैंने दे दिया, अब आपको मैं देने वाला हूँ फ्रेंड्स बैट्समैन में किस प्लेयर को आपको पिक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी बैट्समैन आपको नजर आ रहा है, ये 6 बैट्समैन अगर आप टीम में बना के रख लेते हो तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आप यहाँ पर 6 से 11 टीम बनाते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 6 प्लेयर को अपनी टीम में रखना है और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप पहले नीचे से आने वाले हैं, अगर यहाँ पर लास्ट 12 मैचेस में देखा जाए तो इनकी स्ट्राइक रेट 143.96 है फ्रेंड, लेकिन इनके एवरेज स्कोर बन रहा है 13 से 14 रन तक यहाँ पर हर मैच में ये बना रहा है। और पी कुमार की बात करें तो यहाँ पर इनकी स्ट्राइक रेट है यहाँ पर 144.39 और इनकी एवरेज स्कोर बन रहा है 19 से 20 रन तक बन रहा है यहाँ पर। और वहीं यहाँ पर ए सिंह की बात करें तो आर्यमन सिंह की इनकी स्ट्राइक रेट है 95.10 और इनकी रन्स की बात करें तो 20 से 21 रन हर मैच में बना रहे हैं। और ए सिंह की यहाँ पर 98.51 इनकी स्ट्राइक रेट है, इनकी इनिंग स्कोर है 20 से 21 रन। और यहाँ पर वही वी विशाल की बात करते हैं, इनकी स्ट्राइक रेट है 111.67, इनके एवरेज स्कोर है 22 से 25 रन तक फ्रेंड, और यहाँ पर 117.18 इनकी स्ट्राइक रेट है। आयुष भरद्वाज की इनकी स्ट्राइक रेट है, इनके रन्स की बात करते हैं, इनका भी 22 से 25 रन बन रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने 6 बैट्समैन बता दिया, अब आपको मैं गेंदबाजों पर बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स गेंदबाज को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अनिल कुमार जूनियर, इनकी भी फॉर्म इतनी खास अच्छा नहीं चल रहा है फ्रेंड, लेकिन ये प्लेयर आपको मैं मेगा ग्रैंड लीग के लिए आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन में मैं देने वाला हूँ, क्योंकि ये प्लेयर आपको मैच कभी भी पलट सकता है। इनकी एवरेज विकेट की बात करें तो 1 से 1.5 विकेट इनको, मतलब 1.5 विकेट तो नहीं मिलेगा, 1 से 2 विकेट इनको हर मैच पे मिल रहा है। इनकी इकोनॉमी 5.52 है और यहाँ पर प्रतीक रंजन की यहाँ पर ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, इनको आप जरूर लेना है। और यहाँ पर 1.3 मतलब 1 से 2 विकेट इनका भी है, 5.97 इनकी इकोनॉमी है। जय सिंह की बात करें तो यहाँ पर 1 से 2 विकेट मतलब 1 विकेट भी ले सकते हैं हर मैच में, इनकी इकोनॉमी है 5.47। मानसी की बात करें तो हर मैच में 1 विकेट ले रहे हैं फ्रेंड्स, इनकी इकोनॉमी 5.16 है। पी कुमार और पी के सिंह की बात करें तो इन दोनों की इकोनॉमी 7 से पार है फ्रेंड, 7.79 और 7.03, और इनको हर मैच में 1 विकेट मिलता भी है और नहीं मिलता भी है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया फ्रेंड, अब आपको मैं ड्रीम इलेवन टीम दिखाने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं टीम बना के रख चुका हूँ, तो फ्रेंड्स वेट कर लीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क तो स्लो रहता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी भी 3.5 घंटा बाकी है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टीम बना के रख चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बताया 2 विकेट कीपर को लेना हूँ, पी कुमार दोनों पी कुमार है फ्रेंड्स यहाँ पर, इन दोनों पी कुमार को मैंने ले लिया। और बैटिंग में फ्रेंड्स यहाँ पर आर्यमन सिंह, वी विशाल और सचिन तिवारी को मैंने पिक किया, आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड। और मैं यहाँ पर आपको बताया था एस चक्रवर्ती, ये सिंह को मैंने पिक करूँगा, यहाँ पर वी सिंह को मैंने लिया फ्रेंड। यहाँ पर गेंदबाजी में मानसी, पी कुमार और आर कुमार है। तो फ्रेंड्स ये टीम आपको मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लीजिए, एस चक्रवर्ती और पी कुमार है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको एक डाउट आ सकता है कि ये टीम मैं हेड टू हेड के लिए खेल सकता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए और हेड टू हेड के लिए आप ये टीम खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस तरह टीम बनाई फ्रेंड्स, अभी भी मेरा क्रेडिट 1.5 लेफ्ट है। तो फ्रेंड्स इनकी पूरी फॉर्म देख के मैंने टीम बनाया फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स एक और डाउट है कि अगर कोई भी प्लेयर मिस हो तो मुझे कहाँ पर मिलेंगे, तो फ्रेंड्स इसके लिए चलिए मेरे सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आने वाला हूँ, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 150 के लगभग सब्सक्राइबर्स है मेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसी तरह टीम, अभी जो यहाँ सवेरे मैच हुआ था सिंघभूम स्ट्राइकर्स वर्सेस धनबाद की मैच, बीच में मैच, तो इसकी टीम मैंने दे दिया फ्रेंड, आपको इसी तरह लिंक भी मैं दूंगा, वॉइस मैसेजेस भी पर मिल जाएगा फ्रेंड आपको, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा फ्रेंड, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो फ्रेंड्स आप क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च कीजिए और मेरे चैनल शो हो जाएगा। तो फ्रेंड जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर
मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यही है पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड। और फ्यूचर में आपको मैं कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में भी बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर मई 11 में किस तरह किस प्लेयर को बना सकता है। और फैब 11 हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर सारा मतलब विजन 11 सारे ऐप्स है जो भी, उनको भी यहाँ पर मैं बताऊँगा, वहाँ पर टीम भी मैं दिखा दूँगा, उसी टीम पर आप ईजिली बना सकते हो। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।